लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। कैराना लोकसभा सीट पर महागठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन की करीब 50,000 वोट से जीत पक्की है। औपचारिक ऐलान बाकी है। बीजेपी के खेमे में सन्नाटा फंसा हुआ है। आरएलडी के जिला कार्यालय पर खुशी की लहर है। तो वहीं कैराना लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह द्वारा हार कबूल कर लेना बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी को मिली जीत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो खेल हमारे साथ खेलती थी वही खेल हम अब उनके साथ खेल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की भाषा में व्यंग किया है। ये कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ होगा, पर हुआ क्या, बल्कि किसानों की जान चली गई। ये बहुत बड़ा धोखा है। अखिलेश यादव ने इस जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों की हार है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया है। ठगने के कारण जनता ने बीजेपी को हरा दिया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों पर कथित घूस का आरोप लगने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि रक्षा मंत्रालय भारत के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने एएन 35 सौदे के लिए यूक्रेन सरकार से दुबई के रास्ते मिलियन डॉलर बतौर घूस लिए। मोदी जी खुद को हमारे चौकीदार बताने वाले, मैं आपसे रक्षा मंत्रालय के उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहता हूँ जो इस कृत्य में लिप्त हैं। महाराष्ट्र की पुलिस कानेगांव सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। दरअसल इस सीट पर कोई और प्रत्याशी नहीं था, जिसके चलते मतगणना शुरू होते ही चुनाव आयोग के अफसर ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वजीत कदम के विजयी होने का ऐलान कर दिया। पुलिस कानेगांव सीट महाराष्ट्र के सांगली जिले में आती है। यह सीट कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पटंगराव कदम के निधन से खाली हुई है। कांग्रेस के विश्वजीत कदम एकमात्र उम्मीदवार थे। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार संग्राम सिंह देशमुख से समर्थन वापस ले लिया था।